इजी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और आजकल सभी के घर में कुछ ना कुछ फलहार बनता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के हलवे की रेसिपी, जिससे आलू का हलवा बहुत ही दानेदार और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू, इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है उबाल कर। इसके साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 4 बादाम, 4 काजू और थोड़ी सी किशमिश। थोड़े से गर्म दूध में मैंने कुछ केसर के धागे डाल के रख दिए हैं। आधा कटोरी मैंने चीनी ली है और आधा कटोरी ही मैंने घी का यूज़ किया है, देसी घी का। अब पैन में हम जो हमने घी लिया था उसको डाल देंगे और उसके बाद काजू और बादाम को हम पहले फ्राई कर लेंगे। किशमिश मैंने अभी नहीं डाली है क्योंकि किशमिश जो होती है वो बहुत ही जल्दी से जल जाती है, तो इसलिए पहले हम काजू और बादाम को फ्राई करके निकाल लेंगे। स्लो आंच पर ही हमें इन्हें फ्राई करना है और ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश। किशमिश को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा जब ये कलर चेंज कर जाए बस इसके बाद ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा भूनेंगे तो इसमें जले की स्मेल आ जाएगी। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने आलू ग्रेट करके रखे थे। अभी आपको लग रहा होगा इसमें घी ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग में हमें इसमें घी ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आलू भूनेंगे आप देखेंगे सारा घी इसमें मिक्स हो गया है। और इसको हमें धीमी आंच पर बिल्कुल सुनहरा होने तक भूनना है और जब तक कि इससे घी सेपरेट ना हो जाए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। इस तरीके से दबाते हुए हल्की आँच पर हमें इसे भून लेना है अलट पलट कर। जैसे जैसे आप इसे भूनेंगे बहुत ही अच्छी सी खुशबू पूरी किचन में आपके फैलने लगेगी। और अब देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है और घी इसमें बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका है। और ये देखिए अब इस क्योंकि आलू हल भुन चुके हैं तो इससे जो हमने घी डाला था वो सेपरेट होने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी और इसको हम इसके साथ ही भून लेंगे। चीनी डालने के बाद ये हल्की कैरमलाइज्ड होगी तो हलवे का कलर और भी अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए चीनी भी इसमें घुलने लगी है। इस तरीके से मिक्स करके हम इसे भून लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे केसर वाला दूध। केसर आप हमेशा हल्के से गर्म दूध में डालकर रखिए, इससे केसर का जो कलर है वो बहुत अच्छे से आता है। अब जैसे इसमें हमने केसर का दूध डाला है आप देख सकते हो कि हलवे का कलर कितना अच्छा हो गया है और इससे इसका एक बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है और बहुत ही अच्छा केसर का फ्लेवर भी आता है। इस तरीके से अगर आप आलू का हलवा बनाएंगे तो एकदम अलग और एकदम दानेदार हलवा हमारा बनकर तैयार होगा, जैसे मूंग की दाल का हलवा लगता है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच घर की दूध की मलाई। इसको डालने से हलवा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही क्रीमी सा बनकर तैयार होता है, बहुत ही अच्छा इसका स्वाद इसमें आता है, तो इसको आप ज़रूर ऐड करें। और इस तरीके से मिक्स करते हुए हम इसको भून लेंगे और तब तक भूनेंगे जब फिर से दोबारा ये घी अलग ना हो जाए आलू से। आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा हलवे का कलर आया है और बहुत ही बढ़िया ये हमारा हलवा भुनकर तैयार हो रहा है। स्वाद के लिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी पिसी हुई इलायची। और ये देखिए अब धीरे धीरे इससे घी जो है वो बिल्कुल सेपरेट होने लगा है और कितनी जल्दी ये हलवा हमारा बनकर तैयार होता है, लेकिन स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, स्वाद इसका बेहतरीन होता है। एक बार इसी तरीके से आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। और ये देखिए सारा जो घी है वो बिल्कुल अलग होने लगा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके बाद मैं आलू के हलवे को एक साइड करूंगी, जिससे जो भी घी है वो एक साइड इकट्ठा हो जाएगा और उसे हम सेपरेट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए सारा घी अलग होने लगा है और ये देखिए सारा घी इसमें से निकल चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए अब इसमें आपको ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा और ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। कैसा खिला खिला दानेदार। ड्राई फ्रूट्स जो हमने तल के रखे थे उन्हें हमने काट लिया है और उसके बाद हम उसके ऊपर उसको सजा देंगे। और ये लीजिए नवरात्रि में खाने के लिए आपका टेस्टी आलू का हलवा बनकर तैयार है। इसको आप इंजॉय करिए, अपने लिए बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।